ऐसे शुरू करें सैलून का बिजनेस। इस बिजनेस को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी बिजनेस एकदम से ग्रो नहीं करता, इसके लिए आपको मेहनत और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। तो इस बिजनेस को भी करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही धैर्य रखना होगा, मार्केट के ट्रेंड और जरूरत को पहचाने। आप जिस जगह दुकान खोल रहे हैं या जिस गांव में खोल रहे हैं, पहले वहां के लोगों की डिमांड समझें, फिर उनकी डिमांड को ट्रेंड में कन्वर्ट करके अपनी स्कीम लाएं। इस तरह आप नए नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। ग्राहकों को बेहतरीन सेवा प्रोवाइड करना आपकी पहली आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे ग्राहक आपकी शॉप के परमानेंट कस्टमर्स बने। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इससे संबंधित कामों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप चाहें तो अच्छे प्रोफेशनल्स को भी काम पर रख सकते हैं, लेकिन इससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। यदि आप इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप किसी को भी हायर कर सकते हैं। अपनी शॉप पर लोगों के बजट और उनकी डिमांड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स रखने होंगे, लेकिन अपने सैलून में अच्छे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी क्वांटिटी जरूर बढ़ाएं, जिससे गांव के युवा अधिक आकर्षित हो सके। इससे आपकी शॉप का इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। सबसे जरूरी बात, आप अपने सैलून में क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, उनका कितना प्राइस है, इन सब की आपको अलग से प्राइस लिस्ट और सर्विस लिस्ट लगानी होगी, जिससे कस्टमर को बार बार आपसे सिर्फ यही पूछने के लिए ना आना पड़े कि भैया इस सर्विस के कितने चार्जेस हैं। आप अपनी शॉप में जब कई तरह के सर्विसेज रखते हैं तो काम भी बहुत होता है। इसके लिए आप लोगों को काम पर या ट्रेनिंग पर भी रख सकते हैं। किसी भी दुकान की बनावट लोगों को आकर्षित तो करती है, तो ऐसे में आपको अपने सैलून का इंटीरियर काफी अच्छे से डिजाइन करवाना चाहिए, जिससे कम जगह में बेहद सरल तरीके से मैनेज हो पाए और देखने में भी अच्छा लगे। सैलून के लिए जरूरी लाइसेंस, सामान्य लाइसेंस और परमिट्स, कॉस्मेटोलॉजी सैलून लाइसेंस टाइप्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट लाइसेंस, बार्बर लाइसेंस, एस्थेटिशियन, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, मैनिक्यूरिस्ट लाइसेंस आदि। सैलून के लिए आवश्यक चीजें, सैलून खोलने के लिए कुछ आवश्यक चीजों के बारे में भी निर्णय ले लें, जैसे कि लोकेशन। सैलून खोलने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन पर रिसर्च करना होगा, जिससे आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें कि ये जगह आपकी शॉप के लिए बेस्ट है, उसे आप पक्का कर लें। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप लगभग 500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे जगह कितनी होनी है, ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप कितने बड़े स्केल में बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। हेल्पिंग हैंड्स, ये आपके बिजनेस की शुरुआत और स्केल पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को हायर करते हैं या फिर स्वयं ही आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिर भी यदि आप हायरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनलिस्ट के अलावा रिसेप्शनिस्ट और अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। सैलून का इंटीरियर, यदि अपने शॉप को रेंट या लीज पर लिया है, तो आपको अपनी शॉप को अपनी जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा। सैलून में काम करने वाले उपकरण, आकर्षक कुर्सी, मिरर, विभिन्न तरीके की कैंचियां, शेविंग का सामान, मेकअप किट, हेयर वॉश के लिए वॉश बेसिन, हेयर ड्रायर, मसाजर, स्टीमर आदि उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपकी सेवाओं के हिसाब से इसमें अन्य उपकरण जोड़े जा सकते हैं। इनिशियल खर्चे, किसी भी बिजनेस की शुरुआत में आपको हर तरह के खर्चों पर निवेश करना पड़ता है। इस प्रकार इसमें भी आपको शुरुआत में जगह के इंटीरियर, उपकरण, लाइसेंस आदि पर खर्चा करना पड़ेगा। गांव में सैलून कैसे चलाएं जिससे आपका सैलून फेमस हो जाए। ग्राहक की संतुष्टि का ख्याल रखें, सैलून की जगह का सही चयन करें, सफाई और कस्टमर की सेफ्टी पर ध्यान दें, सेवाओं की विस्तृत रेंज तैयार करें, ट्रेंड प्रोफेशनल की उपलब्धता पर ध्यान दें। भारत में फ्रेंचाइजी के लिए निम्न सैलून मौजूद हैं, आप चाहें तो इन कंपनीज की फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हैं। काया स्किन क्लिनिक, वेल सीसी, जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, सैक्स हेयर एंड ब्यूटी, मैट्रिक सैलून, लॉरियर प्रोफेशनल सैलून, स्टार एंड सितारा सैलून, अरोमा मैजिक सैलून, लुक सैलून। इसके अलावा भी और ऐसे सैलून हैं जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।